binoculars. तो स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आपको पता है मैं 5 बजे गाड़ी लोड करने गया था भाई, 2 घंटे बाद आ रहा हूँ। पर यार सुबह सुबह क्या है कि फ्रेश हवा चलती है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, बढ़िया फील होता है। अभी गाड़ी लोड करके आ गया हूँ और जा रहा हूँ आज दब्बन। अब दब्बन कहाँ है ये भी आप लोग सोच रहे होंगे, अब दब्बन कहाँ है ये मैं आपको आगे बताऊँगा सफर में। तो अभी आपको मैं रोड दिखाऊँ, अपना पुराना रोड, वही क्लिंकर वाला रोड। आज मैं यहाँ से होके आया हूँ, आप लोग देख सकते हो यार, बड़े वक्त के बाद ये रोड देखा मैं, आया है बड़े टाइम के बाद इस रोड से। जा रहे हैं अब, चलते हैं थोड़ा आज तो, मतलब आपको मैं कुछ एक गाड़ियाँ दिखाऊंगा इस वीडियो में, कमाल कमाल। सो दोस्तों आज अपन सुबह सुबह लोडिंग के लिए आए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कमाल कमाल की गाड़ियाँ लोडिंग के लिए आई हुई है, आप लोग देख रहे हो। वाह 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 वाह, ये वाली एक, ये वाली एक, आप इससे पीछे देखोगे वो वाली, ये जो आप वहाँ देख रहे हो वो वाली। भाई आज की तो बात ही अलग है, मतलब कभी कभी इतनी बेरहम गाड़ियाँ देख के दिल खुश हो जाता है। आप लोग इसको देख लो, ये कितनी बेरहम है यार, इस गाड़ी की लुक्स इतने इतने अच्छे हैं, मतलब इस तरह से किसी ने अपनी गाड़ी मेंटेन रखी है ना भाई, हर कुछ मेंटेन रखी है ये गाड़ी। मैं आपको बताऊँ ये 10 मॉडल गाड़ी है, फिर भी इतनी कमाल की लग रही है। और आप लोग उधर देखोगे तो भाई गाड़ियों के काम, वो अपने भाई के हाथ से इशारा कर रहे हैं, उनकी गाड़ी भी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके। ये जो ये भाई खड़े हैं लंबे से, इनकी गाड़ी है ये रेड वाली। देखिए हमारे भाई जी पूरे सफाई के साथ क्लोजिंग करते हुए बिनोक्युलर्स देते ही। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाला हूं मैं घर, यानी कि ब्रह्मपुखर पहुंच गया मैं। थोड़ा सा रह गया सफर, फिर थोड़ा घर जा जाते हैं, उसके बाद चलते हैं फ्रेश लो हो लेते हैं ना यार। जब घर आपका रास्ते में पड़ रहा है तो आपको डायरेक्ट जाने की लोड क्या है, पहले फ्रेश हो लो है ना, उसके बाद चलते हैं घर, सीधा घर और उसके बाद जाएंगे थोड़ी देर में कहाँ, दब्बन। तो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 12 यार, वैसे 12:45 हुआ अभी, और मैं पहुंचने वाला हूँ परमाणा। तो यार दब्बन भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही है, वजह क्या है यार, आप लोग बोलोगे मिंदु भाई मंडी मंडी मंडी। एक पहली वजह तो मंडी जाने की ये है कि हमारे पास जो पिछले टायर है वो थोड़े कमजोर है, तो मंडी के लिए इतनी मार नहीं है गाड़ी को है ना, तो अपने टायर चांस है मतलब चल पड़ेंगे थोड़ा से, फिर वैसे भी टायर चेंज करने हैं थोड़ी अलाइनमेंट आने पे, तब और डिस्ट्रिक्ट भी जाएंगे। बाकी दूसरा ये भी है कि अब मंडी यार बहुत बड़ी है, अब हम अलग अलग जगह जाते हैं है ना, अब एक ही मंडी होगी बोलूँगा कि मंडी जा रहा हूँ तो वो नहीं, आज मंडी में मंडी डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ। देखो आगे से देखोगे आप लोग तो ऐसे लोग भी आते हैं कुछ। अगर मैं जैसे मैं बोल रहा था आपको कि अगर मैं मंडी ही बोलूंगा ना तो एक ही मंडी जाएंगे इस तरह से, तो हिमाचल हमने एक ही दिन में खत्म कर देना है, एक दिन मंडी 12 दिन, 12 जिले हिमाचल में, मतलब कि 12 दिन में 12 जिले घूम लेने हैं। इससे अच्छा है कि आराम आराम से अपने मंडी एक एक जगह का कोना कोना छांटेंगे है ना। तो चलते हैं थोड़ा यार, इंजॉय किया करो यार, ऐसे परेशान मत हुआ करो आप लोग ही, मैं तो चलो रहता ही हूँ, आप लोग मत हुआ करो, चिल रहा करो, खुश रहा करो अपनी अपनी जिंदगी में, बढ़िया। अभी पहुंचा था काकू ही, मतलब अभी काफ़ी सफर करने को, पर यार मेरी गाड़ी में फॉल्ट आ गया है,
ये देखो आप, मेरी गाड़ी का प्रेशर अपने आप ही कम हो रहा है। इसका जो क्लच सिलेंडर है उसका एक जॉइंट फट गया है यार। वहाँ पे ना साइलेंसर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं करूँ भी क्या अब यार। मैंने मैकेनिक को कॉल किया था, देवू भाई को, देवू भाई ने बोला कि अभी थोड़ा जाने दे, जहाँ तक जा रही है मैकेनिक के पास ले जा, वो खुद लगाएगा। मैं गाड़ी के नीचे भी घुसा था यार, पर मेरे से तो बना नहीं जुगाड़। अब मैकेनिक के पास जाके देखते हैं यार। तो दोस्तों, कांगू से मैं सुंदर नगर भी क्रॉस कर दिया मैंने, पर मेरे को मैकेनिक नहीं मिला वाइट ट्रक का। शर्म वाली बात है यार, जो मिले वो बिजी थे यार, एक जॉइंट डालना है गाड़ी में यार, कंट्रोलर नहीं चल रहा है मेरी गाड़ी का। देखो आपको आवाज आ रही होनी सूसू की। दोस्तों बज रहे हैं अभी 1:45, स्टेशन पे तो पहुंच गया यार, पर एक तो यहाँ कीचड़, दूसरी यार मेरी गाड़ी ने ना इस चक्कर मेरे को बड़ा तंग कर दिया यार। इसकी यार वो पाइप फट गई है, उसकी वजह से ना ये जोर ले रही है, क्लच भी बहुत हार्ड हो गया। अभी तो मैं जाम में फंस गया था, अब मैं यहाँ ना इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो कोशिश करूँगा कि खुद ही ठीक कर दूँ उस पाइप को, अगर हो जाए तो। क्योंकि वो पाइप पता कहाँ पे है, वो पाइप यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ पे आपको पता है साइलेंसर है जो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, ठंडी हो जाएगी थोड़ी गाड़ी, और अपने से आगे सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं तो गाड़ी अनलोड भी हो जाएगी हमारी। तो दोस्तों, जो मेरी गाड़ी की पाइप फटी थी वहाँ मैंने ऐसा जॉइंट डाला पाइप में, मैं आपको दिखा नहीं सकता था प्रॉपर, क्योंकि वो बहुत गाड़ी के नीचे घुस के था। अगर आप मेरे हाथ पांव देखोगे तो अभी धो के आया भाई, देखो अभी तक काले हैं, और आप मेरी शक्ल देखोगे तो मेरा हालत तो बहुत बुरा हाल हो गया दोस्तों। मेरा तो कपड़े देखोगे काले हो गए, ये देखो बाजू काली। भाई ट्रक का काम है ना, ये ऐसे ही परेशान करता है। बाहर आप देखोगे तो भाई कीचड़ ही कीचड़ है, अपनी गाड़ी भी कुछ कीचड़ में ही लगी है। दोस्तों मैं तो गाड़ी लेके वापस आ गया अनलोड करके आधे रास्ते में। मैंने बीच में ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यार मेरी गाड़ी का क्लच ढंग से काम नहीं कर रहा है, प्रेशर भी नहीं बना रहा है ये मैंने, क्योंकि वहाँ पे पाइप भी ठीक करी, वो उसने जुगाड़ भी किया जॉइंट से, पर बना नहीं रहा है यार। मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में इस टाइम, तो फिर मैं ब्लॉग चलता चलता सा बना रहा हूँ। ये देख सकते हो प्रेशर मेरा 6 से ऊपर नहीं जा रहा है, कंट्रोलर मेरा काम कर रहा है काम नहीं कर रहा है, परेशान हो गया यार। और मैकेनिक यार नखरे दिखाते हैं, बरमाना में आगे जहाँ पे आपका ACC का प्लांट है वहाँ पे मैकेनिक होंगे, तो उनके पास पूछूंगा यार, वहाँ दिखाऊंगा। ऐसे तो यार बड़ी अजीब सी लग रही है गाड़ी चलाने को। तो दोस्तों बज रहे हैं शाम के 6 और मैं अब जाके घर पहुंचा, और आपको मैं सच बताऊं तो ये चक्कर मतलब मेरे को बहुत दिक्कत हुई। अभी तक क्लच वैसा ही है, मैंने इसका जुगाड़ भी किया तब भी, अभी ये ब्लीड करवाना पड़ेगा, ब्लीड अभी ये कर ली होगा मैकेनिक के पास, और थोड़ा सा काम और करवाएंगे, तो मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ। तो इस ब्लॉग को करते हैं दोस्तों यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब। अभी के लिए जय श्री राम।